हाय फ्रेंड्स, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस अर्थ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 66 के बारे में। और आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 9 सितंबर 2020 का करंट अफेयर, 9 सितंबर 2020 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश का ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, होशंगाबाद। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है और इससे पहले हरदा। ठीक है, मध्य प्रदेश के हरदा जिले को भी बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, होशंगाबाद। और उसके पहले भी हरदा को भी हरदा जिले को भी बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया था। मतलब मध्य प्रदेश में दो जिले होशंगाबाद और हरदा को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है ये आपको याद रखना है, विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी सम्मेलन का ये कौन सा समारोह यहाँ पर आयोजित होगा, तो यहाँ पर है 12वां। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मेलन का 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश के देवास जिले में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में जितेंद्र सिंह चौहान को किस स्मार्ट सिटी का CEO बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें जितेंद्र सिंह चौहान जी की, तो इनको अभी हाल ही में उज्जैन, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, उज्जैन स्मार्ट सिटी का CEO, ठीक है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है CEO बनाया गया है, इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में उद्योगों से निकलने वाले घातक केमिकल वेस्ट के निपटान के लिए ETP प्लांट का संचालन शुरू किया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में उद्योगों से निकलने वाले घातक केमिकल वेस्ट के निपटान के लिए ETP, ठीक है ETP प्लांट का संचालन शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में लगभग 302 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, अनूपपुर। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में लगभग 302 करोड़ रुपए की लागत के निर्माण कार्य का लोकार्पण एवं भूमि पूजन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के अनूपपुर जिले, ठीक है जिला अनूपपुर आता है, अमरकंटक से निकलती है और ये जिला जो आता है वह अनूपपुर है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिक्स नंबर क्वेश्चन की, हाल ही में मध्य प्रदेश में संचालित फैक्ट्रियों में कितने प्रतिशत भारतीय प्रदेश के युवाओं को दिए जाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, 75%। पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो फैक्ट्रियाँ हैं अभी हाल ही में उन्होंने यह निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में जो फैक्ट्रियाँ संचालित होती हैं उनमें 75% भारतीय प्रदेश के युवाओं को देनी होगी। ठीक है, और इससे पहले भी उन्होंने खदानों के बारे में बताया था, जो गौड़ खदानें हैं और अन्य भी जो खदानें हैं उनमें भी प्रदेश के युवाओं को ही 75%, ठीक है 75% युवाओं को उसमें आपको मतलब नौकरी देनी होगी, उनको रोजगार देना होगा और 25% आप अन्य स्टेट, ठीक है किसी भी राज्य के लोगों को रोजगार इसमें दे सकते हैं, तभी आप मतलब कार्य कर सकते हैं। अब ये सिस्टम लागू होगा तो ये प्रदेश की जनता के लिए उनके रोजगार के लिए बहुत अच्छा प्रयास रहेगा,
तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की। अगर हम आज के स्टैटिक जीके के क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में गोटमार मेला लगता है या भरता है। तो ये चार ऑप्शन है, आप लोगों को बताना होगा एक सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। हरदौल की मनोती, ठीक है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि हरदौल की मनोती मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोकगीत है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें 8 सितंबर 2020 के प्रश्नों के सही उत्तर की, तो फर्स्ट यहाँ पर है, सतखंडा महल किस जिले में है। सभी का जो आंसर था वो सही था, दतिया, ठीक है। अगर इसके डिटेल में हम बात करें तो दतिया के महल को दतिया महल या सतखंडा महल भी कहा जाता है, तथा इसे पुराना महल, बीर सिंह महल या बीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में 1614 में नरेश बीर सिंह जू देव ने मुगल बादशाह जहांगीर से दोस्ती की याद में बनवाया था, ठीक है। इस महल की 7 मंजिल हैं, इस कारण इसे सतखंडा महल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि यह दतिया महल का अन्य नाम है, और इसका पुराना महल या बीर सिंह महल या बीर सिंह देव महल भी इसको बोल सकते हैं, और इसकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे हैं। इस महल के बनने में 9 साल लगे थे और 35 करोड़ रुपए की लागत भी लगी थी। हालांकि ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि किस सन में बनाया गया था, और दतिया महल का अन्य नाम है ये, ठीक है। यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर था, चंबल। चंबल नदी भारत की सबसे कम प्रदूषित नदी है, और यह मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इसका सर्वे किया जाता है, और इस सर्वे के अनुसार देश भर की 300 से अधिक नदियां प्रदूषित हैं। इसमें मध्य प्रदेश की 21 नदियां शामिल है, ठीक है, मध्य प्रदेश की 21 नदियां शामिल हैं इसमें प्रदूषित नदियों में, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चंबल की बात करें तो चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है, और यह नदी इंदौर के महू के जाना पावा पर्वत से निकलती है। इसका प्राचीन नाम अगर हम बात करें तो चरमावती है, और इसकी सहायक नदियां छिप्रा सिंध, काली सिंध और पूनू नदी है। यह मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। यह नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है, ये आप याद रख सकते हैं, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा में, ठीक है, कोटा राजस्थान में। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, ठीक है, तो इतना आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। इस टाइप से आज के करंट अफेयर की हमारी सीरीज कंप्लीट होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।